हेलो, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड वेरी गुड इवनिंग. वेलकम टू पूजा गुप्ता चैनल. आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे. तो आपका जो है आज का जीके सेशन है. तो सबसे पहले आपको अगर साउंड की दिक्कत आ रही है तो जरूर बताएं आज, और अगर साउंड ठीक है तब भी बता देना, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो जरूर बताना, फिर हम कुछ और रिजॉल्व करेंगे. लेकिन आई होप कि आज सब कुछ ठीक रहे. तो सबसे पहले आज हम कर रहे हैं हिमाचल जीके. देखिए, हमने कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं और हम उन टॉपिक्स को छोड़ के जाते हैं क्योंकि हमें बहुत बोर लगते हैं. तो हिमाचल के वो क्वेश्चंस, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चंस बनते ही हैं. तो आज जो हम सबसे इम्पोर्टेंट सेशन ले रहे हैं, दैट इज गोरखास इन्वेजन. सबसे इम्पोर्टेंट गोरखास का आता है महल मौर्यों की लड़ाई, ट्रीटी ऑफ सगोली. पर गोरखास थे क्या? गोरखास का सिर्फ हम यही जानते हैं इसका ब्रिटिश के साथ क्या वो था, ब्रिटिश के साथ क्या क्या इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, आज हम वो देखेंगे. तो सिख आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो छोटे छोटे सेक्शंस में आ रहे हैं. इससे रिलेटेड वन लाइनर सेक्शंस, अगर आपको मैंने कहा था कि आप मुझे जरूर फीडबैक दें कि वन लाइनर क्वेश्चंस करने हैं या नहीं, तो प्लीज जरूर बताना, बाकी टाइम ना वेस्ट करें. चलिए, अब हम करने जा रहे हैं आपका हिमाचल और उसके गोरखास इन्वेजन. गोरखास का इन्वेजन यानी गोरखास का आक्रमण, क्या उसकी प्रवृत्तियां थी, ट्रीटी ऑफ सगोली, ये सब करेंगे. तो सबसे पहली चीज, गोरखास जो हिमाचल आए थे उनका मेन एम क्या था? उनका मेन एम था टू स्प्रेड द एरियाज, मतलब पूरे एरियाज में अपनी पावर को स्प्रेड करना, टू स्प्रेड द पावर, अपनी शक्ति का विस्तार जो था उनका मेन एम था. इसके लिए उन्होंने काफी फोर्स हर जगह पे जो है गोरखास के किले बनाए थे, ठीक है, जिसमें जो है जितनी भी भूमि, जैसे कहते हैं ना, कोई भी जो भी भूमि राजा जीतते थे वो सारी भूमि किसको जाती थी? गोरखास को पहले, ठीक है. तो इनको एज ए गिफ्ट दी जाती थी. जो भी राजा जीतते थे अपने युद्धों में, जो भी भूमियां जीतते थे उनको एज ए गिफ्ट किसको दिया जाता था? गोरखास को दिया जाता था. तो मेन चीज, व्हाट इज द एम ऑफ द गोरखास इन्वेजन? फर्स्ट इज टू स्प्रेड द एरिया, टू स्प्रेड द पावर इन डिफरेंट एरियाज, अपनी पावर को पूरी तरह स्प्रेड करना. और हर जगह जहां पे भी जाते हैं हमें इनके फोर्ट्स मिलते हैं गोरखास के. अब क्या है, गोरखास को हिमाचल में किसने आमंत्रित किया था? गोरखास हिमाचल कैसे आए थे? तो सबसे पहली चीज, गोरखास को नरेश राणा बहादुर ऑफ नेपाल, सबसे पहले जो नरेश राम बहादुर राणा बहादुर थे, इसको याद करिए, किसके? नेपाल के. उन्होंने गोरखा रूलर को, यानी गोरखा मेन रूलर कौन था? अमर सिंह थापा, उसको जो है कुमाऊं भेजा था. किसके इनविटेशन में? इनविटेशन ऑफ हर्क देव ऑफ बुशहर एंड एनेक्स अल्मोड़ा. इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो नेपाल का राजा था नाना नरेश राणा बहादुर, नेपाल के जो राजा थे नरेश राणा बहादुर, उन्होंने जो है गोरखास की आर्मी को कुमाऊं भेजा. किसके बुलावे पे? आपके हर्क देव ऑफ बुशहर के, जो बुशहरी जो थे उन्होंने बुलाया था, और उनके कहने पे जो है राणा बहादुर ने गोरखास को जो है कुमाऊं भेजा. और जब उन्होंने कुमाऊं भेजा तो उनके किसके इन्विटेशन पे? हर्क देव ऑफ बुशहरी. और उसके बाद उन्होंने किस जगह को गोरखास ने कैप्चर कर लिया? अल्मोड़ा को. तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन कि नेपाल के किस राजा ने जो है गोरखास को की आर्मी को कुमाऊं भेजा था? दैट इज नरेश राणा बहादुर. एक क्वेश्चन, कहाँ पे भेजा था? कुमाऊं. जब वो कुमाऊं आ गए, किसके इनविटेशन पे भेजा था? हर्क देव ऑफ बुशहरी के. कहाँ के राजा? हर्क देव ऑफ बुशहरी के उस पर भेजा था. और उसके बाद जब वो हिमाचल आने लगे तो सबसे पहले उन्होंने किस जगह को कैप्चर किया था? वो था अल्मोड़ा. तो तीन क्वेश्चंस यहाँ से निकले, नरेश राणा बहादुर ऑफ नेपाल के ने हर्क देव बुशहरी के बुलावे पे किसको भेजा था? गोरखास को भेजा था. कौन? अमर सिंह थापा को, ठीक है. कहाँ भेजा था? कुमाऊं, जहां पे वो क्या जीते थे? अल्मोड़ा उन्होंने एनेक्स कर लिया था. 1804 में दे अनेक्स गढ़वाल, जब वो अल्मोड़ा जीत लिया, फिर इसी गोरखा ने 1804 में गढ़वाल को भी कैप्चर कर लिया था. कब किया था?
ये क्वेश्चन भी बनता है कि अमर सिंह थापा ने गढ़वाल को कब कैप्चर किया, 1804 में, ये नहीं है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, महान चंद इनवाइटेड गोरखा रूलर्स अगेंस्ट। अब बात आती है महान चंद, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसके बुलावे पे गोरखास को जो है संसार चंद के विरुद्ध बुलाया गया था, किसने बुलाया था? तो महान चंद कहाँ के राजा थे, कहलूर के राजा यानी बिलासपुर के राजा थे। सबसे बड़ी कमजोरी संसार चंद की क्या थी कि उसने 1794 पे बिलासपुर पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से संसार चंद की पावर जो है खतरे में आ गई थी। तो जो महान चंद थे कहलूर के राजा, उन्होंने गोरखा रूलर्स यानी अमर सिंह थापा को बुला इनवाइट किया, किसके खिलाफ, संसार चंद के खिलाफ। और रण शरण सिंह ऑफ हिंडू, रण शरण, राम शरण है, रण शरण नहीं है, राम शरण सिंह ऑफ हंडूर। महान चंद ने और जो जितने भी बाकी राजा थे, जो कुछ राजा मिले उनके साथ मिलके, 12 ठकुराइस थी, कुछ और ठकुराइस थी जिन्होंने जो है संसार चंद के विरुद्ध जो है ये लड़ाई चली थी। तो महान चंद ने किसको बुलाया था, अमर सिंह थापा को बुलाया था, किसके खिलाफ बुलाया था, संसार चंद ने। तो ये भी हो सकता है कि गोरखा रूलर्स को संसार चंद के विरुद्ध किस जगह के राजा ने बुलाया था, कहलूर के राजा कौन थे, महान चंद। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ है। और फिर हिंडोर के राजा के खिलाफ भी बुलाया था, दैट इज रामशरण। और हिंडोर के कौन से राजा थे जिसके खिलाफ बुलाया था, वो थे आपके हिंडोर, किसने, अगर संसार चंद नहीं होगा तो रामशरण, उसको भी, उसके खिलाफ भी किसने बुलाया था, महान चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट है सिरमौर रूलर करा। अब देखो इनविटेशन पहले तो नरेश राणा बहादुर ने भेजा इनको कुमाऊं, और फिर इन्होंने अल्माड़ा 1804 में इन्होंने आपके गढ़वाल को कैप्चर किया, फिर जो है आपके बिलासपुर के राजा ने संसार चंद के विरुद्ध इनको बुलाया। और आपको पता है संसार चंद और गोरखा की सबसे पहली लड़ाई, बैटल ऑफ महल मौरिया, कहाँ पे हुई थी, आपकी हमीरपुर में, जिसकी वजह से उसको कांगड़ा किला में छुपना पड़ा था, रामशरण और हिंडोर, ठीक है। हिंडोर को बनाने, हिंडोर का आज का नाम है नालागढ़, और वैसे हिंडोर को बनाने वाले थे अजय चंद, ये भी याद है। उसके बाद सिरमौर के राजा करम प्रकाश ने भी हम गोरखास को बुलाया था, क्यों, अपने भाई के खिलाफ, ठीक है, कौन था इनका भाई, कंवर सिंह, इनके खिलाफ बुलाया था करम। लेकिन यहाँ पे अमर सिंह थापा की जगह कौन गए थे, रणजोर सिंह, जो किसका बेटा था, अमर सिंह थापा का। रणजोर सिंह ने करम प्रकाश को जीतने के बाद वहां पे क्या बनाया, जातकगढ़ फोर्ट। तो एक थापा ने क्या बनाया, जातकगढ़ फोर्ट बनाया, और किसको हराया, करम प्रकाश को, ठीक है, हेल्प किसकी की थी, करम प्रकाश, और फिर उनको ही हराया। तो ये कौन थे, उसके ब्रदर करम प्रकाश, कंवर सिंह के। तो ठीक है, एक क्वेश्चन की किसने बुलाया था गोरखास को सिरमौर में, किसने बुलाया था, करम प्रकाश ने, बिलासपुर के राजा ने बुलाया। उसके बाद गोरखा रूलर अमर सिंह थापा, दे किल्ड रतन सिंह, रतन सिंह को मारने वाला कौन था, अमर सिंह थापा। अब क्या हुआ, रणजोर सिंह किसका सन था, अमर सिंह थापा का, AST लिख रही हूँ, इन्होंने करम प्रकाश को हराया और फिर सिरमौर को जो है ले लिया था। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिफीट किया था, करम प्रकाश ने इनको बुलाया था, फिर इसके खिलाफ जो है इन्होंने जो है करम प्रकाश की हेल्प की थी, और बाद में वो चला गया था। तो रणजोर सिंह ने ही वहां पे जाकर जो है सिरमौर को एनेक्स्ट किया, और बाद में इसको जो है करम प्रकाश वापस वहां से कहाँ चला गया था, भुरियां चला गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जातकगढ़ फोर्ट, महान चंद कौन सा राजा था, कहलूर का राजा। तो दीज आर द हिंदी पॉइंट्स, क्षेत्रों को फैलाना, गोरखा काल में बने कई किले, नेपाल के नरेश राणा बहादुर ने कुमाऊं में गोरखा शासक को बुशहरी के हर्कदेव के निमंत्रण पे भेजा, उन्होंने अल्मोड़ा पे कैप्चर किया, फिर गढ़वाल को कैप्चर किया, महान चंद ने बुलाया, सिरमौर के शासक करम प्रकाश ने बुलाया था, लेकिन वहां पे कौन गया था, रणजोर सिंह, और फिर उसके बाद वो कहाँ पे चला गया था, भुरिया। नेक्स्ट, रूल ऑन हिल स्टेट्स बाय द गोरखास। अब जब गोरखास को इन्वाइट कर लिया हिमाचल में, तो गोरखास ने किस किस ने इनवाइट किया, वो हमने बता दिया, सिरमौर के राजा महान चंद ने, देन राणा नरेश बहादुर ने। तो
तो ये नरेश राणा बहादुर ने इन सब ने किया। अब उसके बाद जब गोरखा हिमाचल आ गए हैं तो उसके बाद उनका रूल कैसा रहा, तो सबसे पहली चीज गोरखाज ने हंडूर की आर्मी को हराया, ठीक है, रामशरण। फिर इसके बाद जब हंडूर के राजा रामशरण को हराया तो रामशरण को जबरदस्ती कहाँ जाना पड़ा, कालसी। कालसी कहाँ है, नाहन में, ठीक है। कालसी कैपिटल किसने बनाई थी, उदय प्रकाश ने। राजबंध से कालसी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राजबंध टू कालसी किसने की थी, उदय प्रकाश ने, और राजबंध कैपिटल बनाई थी सुभाष प्रकाश ने। सिरमौर के फाउंडर हैं राजा रसालू, ठीक है। तो ये था हिंडोर के कौन थे, राजा अजय चंद, ठीक है, इन्होंने बनाया था। अब क्या हुआ, जब हिंडोर की सेना को हरा दिया गया तो हिंडोर के राजा उस टाइम कौन थे, राम शरण सिंह। तो वो उनको कहाँ पे शरण लेनी पड़ी, आपकी दक्षिण ऑफ कालसी। अब यही गोरखाज ने कौन कौन से एरियाज को कैप्चर किया, हिंडोर, पुंडार, जुब्बल और धामी। धामी फायर, धामी को बनाने वाले थे गोविंद पाल, ठीक है, हलोग इन्होंने कैपिटल रखी। जुब्बल के कौन थे, करम चंद, दिग्विजय वॉज द लास्ट रूलर, यहाँ पे गोवर्धन वॉज द लास्ट रूलर, ठीक है। जुब्बल के अगर बात की जाए तो सुनपुर उन्होंने कैपिटल रखी थी, ठीक है। पुंडर, हिंडोर के मैंने बता दिया अजय चंद, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज बैटल ऑफ महर मौर्या। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट कि बैटल ऑफ महर मौर्या कब हुई थी, 1806 में, किसके कहने पे, महान चंद ने जब बुला लिया बिलासपुर के राजा ने, तो किसके विरुद्ध बुलाया था, संसार चंद, जो कहाँ का राजा था, कांगड़ा का राजा था। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में, किसके बीच में हुई थी, अमर सिंह थापा, गोरखाज और कटोच डायन, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी आपकी हमीरपुर में, भोरंज वहां पे हुई। तो जब इन दोनों की लड़ाई चली तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हुआ कि जो आपके संसार चंद थे उनको कांगड़ा किला में छुपना पड़ा था। कांगड़ा किला में जब वो छुप गए थे तो बाद में उन्होंने रंजीत सिंह की हेल्प ली थी और उनके साथ कौन सी संधि की थी, ज्वालामुखी की संधि, ठीक है। एक काम और किया था, सबसे पहले तो उन्होंने बैटल ऑफ महल मौर्या की, दूसरा काम उन्होंने एक और किया कि उन्होंने ईश्वरी सेन, मंडी के राजा जो थे ईश्वरी सेन, जिसको किसने कैप्चर किया था, संसार चंद ने, कहाँ पे, नदौन में, कितने साल तक रखा था, 12 साल तक अपनी कैद पे रखा था। तो ये जो गोरखा था अमर सिंह थापा, इन्होंने क्या किया, 12 साल की कैद से ईश्वरी सेन को किसने फ्री किया था, आपकी आपकी कौन है ये, अमर सिंह थापा। तो दिस पॉइंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट कि ईश्वर सेन को 12 साल की कैद से संसार चंद ने कैद में रखा था। ये क्वेश्चन भी आता है कि संसार चंद ने 12 साल किसे कैद में रखा, ईश्वरी सेन को, कितने साल रखा, 12 साल रखा, कहाँ पे रखा, नदौन में रखा, लेकिन इसको फ्रीड किसने किया, तो इसको फ्रीड किया अमर सिंह थापा। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चंस आते हैं, देखिए इस लाइन से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस लाइन से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कालसी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हिंडोर से भी बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिमाचल में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। अगर किसी को डाउट लगता है कि ऐसा क्वेश्चन मैडम जो बोल रही है वो नहीं है, तो आप बोल सकते हो, लेकिन अगर जिन्होंने पेपर्स दिए हैं तो आपने देखा होगा कि जो चीजें करवाई जा रही हैं उनमें से कई पॉइंट्स में से क्वेश्चन, एक एक लाइन में से जो है ये एसएससी या एसपीएस जो है आपकी पीएससी ये क्वेश्चंस निकालती है, ठीक है। अब ईश्वरी सेन जब 12 साल के उस पर आए थे, तो जब ये मंडी आए थे, क्योंकि मंडी के राजा थे, तो जब मंडी आए थे तो उनके उपलक्ष्य पे भी लोगों ने खुशी में शिवरात्रि मनाई थी। हालांकि देखा जाए शिवरात्रि का पर्व जो है वो सूरज सेन और उसके बेसिस पर, बट इनकी खुशी के लिए भी मनाया जाता। तो ये कहाँ से, ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि नदौन। अब इन्होंने, अब उसके बाद इन्होंने भागल का जो है अर्की,
वहां पे जाकर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। भागल को बनाने वाले थे अबोज देव, अजय देव, सॉरी अजय देव, ठीक है, भागल को बनाने वाले थे अजय देव। उसके बाद अर्की को बनाने वाले थे सभाचंद। अर्की को बनाया किसने है? सभाचंद ने, ठीक है। तो अर्की को सभाचंद ने बनाया, तो अर्की को बनाया किसने है? सभाचंद। तो गोरखाज ने अपना हेडक्वार्टर भागल किसकी ठकुराई थी? सोलन की, ठीक है। तो अर्कीज को जो है, अर्की को बनाने वाले थे सभाचंद, तो हेडक्वार्टर भाग अपना हेडक्वार्टर गोरखाज ने जब यहाँ पे अटैक किया 1805 में, तो अर्की को अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो ये चीज भी आ सकती है कि गोरखाज ने भागल में किसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था, तो वो बनाया था अर्की को। कई बार क्वेश्चन आता है अर्की किसने बनाया, भागल किसने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1811 में डिफीटेड बुशहर एंड टुक ओवर द एरियाज ऑफ बलसन, कोटगढ़, जुब्बल। तो क्या हुआ, 1811 में इन्होंने सबसे पहले बुशहर को हराया। बुशहर को बनाने वाले कौन थे? कामरूप, ठीक है। तो बुशहर को 1811 में हराया। फिर उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी जगहें ले ली? कोटगढ़, जुब्बल और बलसन, ये सारे एरियाज जो हैं इन्होंने कहाँ के ले लिए हैं? गोरखाज ने इनको भी कैप्चर कर लिया। जो महिंदर सिंह था, ये क्या था? जो महिंदर सिंह था ये कौन था? महिंदर सिंह जो था एक बोल सकते हैं अभी छोटा ही राजा था, बुशहर का छोटा राजा था, जिसको कहाँ जाना पड़ा अपने बुशहर के, ये जो छोटा राजा था मतलब अभी फुल एज का नहीं था, तो इसको हाल में, क्योंकि जब गोरखाज ने अटैक कर लिया, सॉरी, जब गोरखाज ने अटैक कर लिया था, तो इसको कहते हैं ना अपनी शरण लेने के लिए इसको वापस अपनी पुरानी कैपिटल जाना पड़ा। अब नेक्स्ट आता है, उसके बाद गोरखाज ने जो है कितनी ठकुराइज पे अटैक कर लिया था? आपकी 12, ठीक है। कितनी ठकुराइज पे कैप्चर कर लिया था? आपकी 12, ठीक है। 12 ठकुराइज उसने ले ली थी। तो ये भी याद रखना, ये जो महिंदर सिंह है इसने, इसको कहाँ पे जाना पड़ा? अपनी पुरानी कैपिटल कामरू, किसकी थी? राम बुशहर की। और ये एकमात्र वो ही रियासत है जिसने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं दिया। कामरू किसने बनाई थी? प्रद्युमन। बाद में सरहा जो है वो छत्र सिंह ने जो है इसकी चेंज कर ली थी। कामरू से सरहा किसने किया था? राजा छत्र सिंह ने। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, 12 ठकुराइज में लिया। लेटर वेंट टू आर्की आफ्टर गिविंग टू द एरियाज ऑफ रामपुर ऑन द बेसिस ऑफ 12,000 टैक्स। अब क्या हुआ, जब 12 ठकुराइज दे दी, बाद में जो है ये कौन है, अमर सिंह थापा, इन्होंने 12,000 कर लेकर वापस महिंदर सिंह को जो है अर्की दे दिया, मतलब रामपुर दे दिया। और ये वापस कहाँ चले गए? अर्की चले गए। देखो, इन्होंने बुशहर के पहले महिंदर सिंह से जगह ले ली और उसको कामरू जाना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने जो महिंदर सिंह से 12,000 का कर लिया और उसके बाद वो खुद तो चले गए अर्की, और फिर वापस किसको दे दिया? रामपुर को। किसको दिया? राम महिंदर सिंह ऑफ बुशहर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो। अगर कुछ भी होगा कि मैम कोई भी कमी लगे तो प्लीज जरूर बताना, ठीक है। ये इसका हिंदी में कि कहां कहां पे हिंदुओं को पराजित, यानी आपके किसको पराजित किया था इन्होंने, हिंदुअर्स हैं मतलब हिंदुओं लिखा है आपका। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट हिंदुओ, दिस इज हिंदुअर्स, ठीक है। रामशरण कालसी के दक्षिण में चला गया, जितना भी है हिंदू पुंडर जुबल धामी इनकी जगह ली। और उसके बाद 1806 में महल मौर्य, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, महल मौर्यों की लड़ाई कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, किसने बुलाया था, ये 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। 12 साल की जेल में किसको रखा गया था? ईश्वरी सेन। कहाँ के राजा थे? मंडी के राजा थे। किसने फ्री किया? अमर सिंह थापा ने फ्री किया। और किसकी कैद से फ्री किया? संसार चंद की कैद से फ्री किया। और कहाँ पे थी ये जगह, कहाँ पे कैद पे रखा? नदौन। तो अर्की को जो है भागल का मुख्यालय बना दिया। भागल जो थी वो अजदेव, और अर्की को बनाने वाले थे सभाचंद। फिर उसके बाद बुशहर जो के जो राजा थे महिंदर सिंह, क्योंकि छोटी उम्र के थे, इनको वापस कामरू जाना पड़ा। और बाद में जो है इनको 12,000 टैक्स देने के बाद ये वापस आ गए बुशहर में। अब
ये तो था हिल स्टेट्स के साथ। अब गोरखाज और ब्रिटिश वॉर 1814 से 15, दिस इज देखो गोरखाज और संसार चंद की लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ महल मौर्या। अब गोरखाज और ब्रिटिश की इंपॉर्टेंट लड़ाई के बाद एक ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी। तो गोरखाज के बाद कौन आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे। गोरखाज को भगाने वाले हिमाचल से कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो 1 नवंबर 1814 स्टार्टेड द वॉर अगेंस्ट गोरखाज बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश और गोरखाज के बीच में लड़ाई कब से शुरू हुई? 1814। तो गोरखाज, ये भी क्वेश्चन आता है, गोरखाज और ब्रिटिश की लड़ाई कई बार ऐसे दे दिया जाता है 1814 से 1815 तक, ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश की लड़ाई थी, ब्रिटिश की जो कहते हैं ना आर्मीज, उनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। गिलेस्पी जो लोग देख रहे थे, मतलब किन किन के पास ये रेजिमेंट्स थे, कि चार आर्मीज में डिवाइड किया गया, गिलेस्पी, मोर्टेडर, विलियम फ्रेजर या ऑक्टकर्नी। तो लास्ट लड़ाई जो थी ऑक्टकर्नी में हुई थी, लेकिन जो मेजर लड़ाई थी गिलेस्पी में भी हुई, मोर्टेडर ने भी की और विलियम फ्रेजर ने भी की। तो सबसे पहले गिलेस्पी और किस थापा के बीच में लड़ाई हुई थी? बाल भद्र थापा के बीच में। गिलेस्पी और बाल भद्र थापा के बीच में लड़ाई हुई। तो गिलेस्पी ने जो है सबसे पहले, देखो एक क्वेश्चन की ब्रिटिशर्स के कौन से, तो ब्रिटिश कौन से अमर बल भद्र थापा के साथ किस ब्रिटिशर की लड़ाई हुई थी? गिलेस्पी की लड़ाई हुई थी। तो गिलेस्पी ने क्या किया था, देहरादून के कुछ पार्ट्स ले लिए थे और क्यारदादून की जगह ले ली उसके पास। मतलब ये था कि गिलेस्पी ने 4400 उसके पास आर्मी थी, जिस अपनी 4400 की सेना लेकर इसने कौन से पार्ट्स में अटैक किया है? देहरादून और क्यारदादून के साथ, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी वजीर थे, जितने भी सेनापति थे, ठीक है, देहरादून के, वो उन्होंने क्या किया, बलभद्र के साथ इस एरिया को छोड़ा और वो कलिंगा चले गए, ठीक है। जब ब्रिटिशर गिलेस्पी ने इस देहरादून और क्यारदादून पे अटैक किया, तो बलभद्र अपनी सेना के साथ जो है वो कलिंगा चले गए। और लेटर ऑन ब्रिटिश ने जो है कलिंगा को जीत लिया, जिसमें गिलेस्पी को जो है कहा जाता है बुरी तरह से ये घायल हुआ था। तो पहली चीज ये याद रखना, गिलेस्पी ने कौन से एरियाज को कैप्चर किया था? देहरादून और क्यारदादून। गिलेस्पी ने कौन सी जगह को कैप्चर किया था? दैट इज कलिंगा एरियाज, कलिंगा फोर्ट्स, ठीक है। गिलेस्पी और किसके बीच में लड़ाई हुई थी? बालभद्र के बीच में। तो बालभद्र और गिलेस्पी के बीच में कौन से एरिया को सबसे ज्यादा कैप्चर किया? दैट इज कलिंगा, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी का पार्ट है, ठीक है। देहरादून और क्यारदादून पर कब्जा कर लिया, देहरादून के मंत्री थे बालभद्र ने इस क्षेत्र को छोड़ के कलिंग पे कब्जा कर लिया, क्योंकि गिलेस्पी ने इस पे भी अटैक कर लिया और लेटर ऑन पे कलिंगा पे भी अटैक कर लिया, जिसके बीच गिलेस्पी घायल भी हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो थे, नेक्स्ट पार्ट जो था, नेक्स्ट आर्मी किसकी? मोर्टेडर और रणजोर सिंह। देखिए गिलेस्पी और बालभद्र थापा के बीच में लड़ाई हुई, मोर्टेडर और किसके बीच में? रणजोर सिंह के बीच में, ठीक है, ये याद रखना। तो देखिए जो सेकंड टुकड़ी आई ब्रिटिशर्स की, अब क्या हुआ, रणजोर सिंह फेस ब्रिटिशर्स लेफ्ट नाहन एंड बैरीगेट जातक फोर्स। क्या हुआ कि रणजोर सिंह को जो है, रणजोर सिंह को जब ब्रिटिशर्स ने रणजोर सिंह के वहां पर अटैक किया, तो वो नाहन छोड़ के जो है उन्होंने किसको घेर लिया था? आपके जातक फोर्ट को। कि क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने अटैक किया इस एरिया पे, तो इनको रणजोर सिंह, जो कि किसका बेटा था, अमर सिंह थापा को, तो जैसे इनको पता चला कि ब्रिटिशर्स ने इन पे अटैक कर दिया, तो ये नाहन को छोड़ के फटाफट इन्होंने जातक जो फोर्ट था उस पे जो है कब्जा कर लिया या उसको घेर लिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स नाहन कब पहुंचे? वो पहुंचे 19 दिसंबर 1814 को। ये जो है ब्रिटिशर्स ये कहाँ पे पहुंचे थे? नाहन में पहुंचे थे। और ऑन दिसंबर 25 रणजोर सिंह वॉज बिसीज्ड इन द जाटक फोर्ट। अब क्या हुआ कि जो 25 दिसंबर को, देखिए 25 दिसंबर को रणजोर सिंह को घेर लिया था, कहाँ पे? जातक फोर्ट पे। ये जातकगढ़ फोर्ट बनाया भी किसने था? रणजोर सिंह ने।
और उसको डिफिटेड मोर्टिंडर बैटली, और उसके बाद रणजोर सिंह ने जब जातकगढ़ फोर्ट को घेर लिया था उसके बाद उन्होंने इसमें किसकी हार हुई थी, मोर्टिंडर की हार हुई थी, ब्रिटिश की हार हुई थी, और कौन जीता था, रणजोर सिंह। तो रणजोर सिंह और मोर्टिंडर की लड़ाई, इन्होंने किस जगह को कैप्चर किया था, जातक फोर्ट, देखिए गिलेस्पी के बीच में हुआ कालिंगा फोर्ट, रणजोर सिंह के बीच में हुआ जातकगढ़ फोर्ट, ठीक है। अब आए जेम्स फ्रेजर, इन्होंने क्या किया, जुब्बल पे अटैक किया, किसके साथ, 500 आर्मी, इनके पास सिर्फ 500 की आर्मी थी। देखिए ये कौन से एरियाज थे, कोटगढ़, ठीक है, चौपाल, जुब्बल और रावणगढ़, इन एरियाज पे इन्होंने कैप्चर किया। अब क्या हुआ कि जो सेकंड अटैक जुब्बल विद 500 आर्मी, मतलब जुब्बल पे अटैक किया, और जुब्बल के राजा थे करम चंद, उस टाइम पे थे पूरन चंद। तो सेकंड मार्च 1815 को जब ये सरहान नियर चौपाल पहुंचे, तो जेम्स फ्रेजर, जुब्बल पे अटैक किसने किया था, थर्ड टुकड़ी जो थी, जेम्स फ्रेजर, जिसने कोटगढ़, चौपाल, जुब्बल और रावणगढ़ पर अधिकार किया, सेकेंड मार्च को किसने किया, जेम्स फ्रेजर ने कहा, वो कहाँ पे पहुंचे, सरहान पहुंचे, सरहान की कौन सी जगह, चौपाल के पास जो सरहान है वहां पे पहुंचे, जुब्बल मिनिस्टर यानी डांगी वजीर और प्रिंसू जो है पहले इनके साथ मिले, फिर डांगी वजीर, बुशहर के बद्रीदास और टीकम दास अटैक रावणगढ़, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब पहले तो जुब्बल के आर्मी के साथ ये जुब्बल पे इन्होंने अटैक किया, उसके बाद जो है इन्होंने सरहान को भी कैप्चर किया, लेकिन जो जुब्बल के मिनिस्टर थे यानी जुब्बल के वजीर कौन था, डांगी और प्रिंसू, किस से मिला, फ्रेजर से मिला। उसके बाद डांगी वजीर, बुशहर का बद्रीदास और टीकम दास, उन्होंने कहां पे अटैक किया, रावणगढ़, रावणगढ़ फोर्ट बनाया था वीर प्रकाश ने, सिरमौर के राजा, ठीक है, तो उस पे अटैक किया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटी ऑफ फ्रेजर, गोरखाज एम्प्टेड द फोर्ट एंड फ्रेजर टुक ओवर द फोर्ट। जब इन्होंने इन एरियाज पे अटैक कर दिया, तो इनके बीच एक संधि हुई जिसमें फ्रेजर गोरखाज ने उस किले को खाली करवाया और फिर उस किले को ले लिया था, ठीक है, ये याद रखना, ये जरूर याद रखना कि फ्रेजर के टाइम पे किस फोर्ट पे अटैक किया गया था, रावणगढ़ फोर्ट पे, और जो संधि वार्ता के बाद किला खाली कर दिया और फ्रेजर की सेना ने वहां पे मोर्चा, पहले किला को खाली करवाया, किसने करवाई, संधि वार्ता के जो इनकी इन, जब ये मिले थे तो इनके बीच में कोई संधि हुई थी जिसकी वजह से जो है गोरखा फ्रेजर ने वो किला खाली करवाया और फिर वहीं पे अपना मोर्चा ले लिया। कीर्ति राणा रूल्ड रामपुर, बुशहर रूल्ड बाय बद्रीदास एंड टीकमगढ़। देखिए कीर्ति राणा ने कहाँ पे रूल किया, रामपुर पे, बुशहर का रूल किसने, किस पे रूल किया, बद्रीदास, और उस टाइम पे टीकमगढ़। दो चीजें याद रखना, जेम्स फ्रेजर के टाइम पे किस किले पर अटैक किया गया था ज्यादातर, किस पे फोर्स किया गया था, रावणगढ़ पे, प्रिंसू और आपका जो था डांगी वजीर जो कहाँ के थे, बुशहर के, वो पहले फ्रेजर से मिले, उसके बाद डांगी वजीर, बुशहरी दास, वो जो थे उन्होंने रावणगढ़ पे अटैक किया, लेकिन ट्रीटी की वजह से उनको वहां से हटना पड़ेगा, फ्रेजर ने जैसे ही किला खाली करवाया तो उसके बाद वो जो है उस पर मोर्चा ले लिया। देन कीर्ति राणा ने रामपुर पे अटैक किया, रामपुर पे रूल किया, बुशहर पे बद्रीदास और टीकमगढ़, फिर और उसके बाद फ्रेजर ने कीर्ति राणा को किस फोर्ट पे कैप्चर कर लिया था, हट्टू फोर्ट पे, ठीक है, हट्टू किले में घिर लिया, और उसके बाद किसने आत्म समर्पण किया था, आपके कीर्ति राणा। तो ये चीज, तीन चीजें याद रखना, जेम्स फ्रेजर के टाइम पे किस जगह पे अटैक हुआ था, रावणगढ़ फोर्ट, और जेम्स रावणगढ़ फोर्ट, ठीक है, एक सेकेंड, और उसके बाद कीर्ति राणा को कहाँ पे जो है घेर लिया गया था, दैट इज हट्टू फोर्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये इसका हिंदी वर्शन, नेक्स्ट आता है मेजर डेविड ऑक्टकर्नी,
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ब्रिटिशर्स और इनके बीच की लड़ाई 1814 और 15 के बीच में, जिसमें गिल्सपी, मॉर्टिंडर, फ्रेजर ये भी लड़े हैं गोरखा से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है 1815 में ऑक्टोकर्नी की लड़ाई, जिसने मजबूर किया गोरखास को वापस कहाँ जाने के लिए, मलोन फोर्ट जाने के लिए, नेपाल भेज दिया था इन्होंने। तो 5 नवंबर को जो है 1814 में इन्होंने किसको अनेक्स किया, नालागढ़ थ्रू द रूट बाय रोपड़। रोपड़ से आकर इन्होंने सबसे पहले जो डेविड ऑक्टोकर्नी थे, इन्होंने 1814 में रोपड़ के रास्ते होते हुए किस एरिया को कैप्चर किया, नालागढ़ को। फिर इन्होंने तारागढ़ फोर्ट लिया, तारागढ़ फोर्ट पे कैप्चर किया। फिर अमर सिंह डिसाइडेड टू टेक ए फ्रंट फ्रॉम ब्रिटिश अराउंड रामगढ़ फोर्ट। अब क्या हुआ कि जब नालागढ़ इन्होंने कैप्चर कर लिया, किस रास्ते आए थे, रोपड़, उसके बाद इन्होंने जो है डेविड ऑक्टोकर्नी ने तारागढ़ किले पे अपना जो है कब्जा कर लिया। तब जो अमर सिंह थापा है उसने ये सोचा कि मुझे तारागढ़ किले को लेना है, जिसके कारण उनको ब्रिटिश के साथ लड़ना पड़ेगा। तो किस फोर्ट पे लड़ना पड़ेगा, रामगढ़ फोर्ट पे, ठीक है। राजा रामशरण ऑफ हिंदूर, राजा ऑफ केलूर, डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स। ऑब्वियसली कि जो भी रामशरण ऑफ हिंदूर, ठीक है, और जो केलूर के राजा थे, उन्होंने जो है ब्रिटिश का सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि वो गोरखास से दुखी हो चुके थे। और जो है रामगढ़ फोर्ट वॉज अटैक्ड ऑन 16 जनवरी, ड्यू टू विच अमर सिंह हैड टू गो टू मलोन फोर्ट। तो देखिए, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि कलिंगा फोर्ट जो था वो किसने, गिलेस्पी ने, मॉर्टिंडर ने लिया जातक फोर्ट, ठीक है, आपका जो था ये फ्रेजर, ठीक है, फ्रेजर में एक आया रावनगढ़ फोर्ट और एक आया हाटू फोर्ट, दैट इज बाय कीरन, क्योंकि लास्ट में ब्रिटिशर्स ने कौन सा फोर्ट लिया था, आपका हाटू फोर्ट। डेविड ऑक्टोकर्नी ने जो है तारागढ़ पे भी कैप्चर किया, लेकिन अमर सिंह थापा और जो आपकी ब्रिटिशर्स ऑक्टोकर्नी की लड़ाई जो थी वो कहाँ पे हुई, रामगढ़ फोर्ट में, जिसकी वजह से उसने क्या किया, 16 जनवरी 1815 में अमर सिंह थापा जो थे उनको कहाँ पे जाना पड़ा, मलोन फोर्ट, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई तो अमर सिंह थापा हार गए, जिसकी वजह से उनको फोर्स किया गया कि वो मलोन फोर्ट वापस चल जाए, और जिसकी वजह से और वापस ब्रिटिश ने रामगढ़ फोर्ट ले लिया। तो इसी के बीच ब्रेव शक्ति जो भक्ति सिंह थापा थे, इस लड़ाई में कौन मारा गया, भक्ति सिंह थापा, जिससे क्या हुआ, गोरखास की हार हुई मलोन में और उनको कंपेल किया गया कि वो वापस चले जा और ट्रीटी साइन करें। जो ये ट्रीटी है इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सगोली, जो किसके बीच में हुई, 28 दिसंबर 1815 में हुई, जिस किसके बीच में, गोरखास एंड ब्रिटिश। तो उनको जो है दोनों के बीच का बॉर्डर दे दिया गया। ब्रिटिशर्स ने जो है गढ़वाल, कुमाऊं, सतलुज के एरियाज लिए और नेपाल रेजिमेंट का कुछ पार्ट लिया। तो 1816 में जो है इन्होंने ट्रीटी को एक्सेप्ट किया और ये जो है यहाँ से चले गए। तो ये याद रखना, मलोन फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट, ये क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही था, आई होप कि आपको गोरखास का ये छोटा सा सेशन इम्पॉर्टेंट भी लगा और इजी भी लगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करवाएं। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्लासेस फ्रूटफुल है, तो अगर आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहा तो हम इन क्लासेस में आने वाले एग्जाम्स को भी करेंगे। लेकिन जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं दोगे तब तक मेरा लाइव सेशंस बहुत जल्दी जो आने वाले पेपर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उसमें लाइव शेयर करें अपने आप को। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज पूजा गुप्ता, पेज ऑन यूट्यूब फॉलो मी एज पूजा गुप्ता और सब्सक्राइब जरूर करें। On Telegram, follow me as Pooja Gupta channel and let's learn with me. तो please, मेरी आपसे request है कि कोई भी अगर कमी होती है जरूर बताइए, पढ़ाने में कभी कोई कमी आ रही है या कुछ भी है तो सभी से माफ़ी चाहूँगी। और अगर आपको sessions अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि classes fruitful है, तो अगर आपका support मिलता रहा तो इंशाल्लाह या भगवान करे हम आगे तक बढ़े। तो अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल और सपोर्ट कीजिए। अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डोंट
forget to hit the button of subscribe, like and share. That's all for today. Have a nice day. Thank you so much, Pooja Gupta. Let's learn with me. Please take care of yourself. Stay safe, stay healthy and stay cool. तो आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे कल. बाय.